तत्व द्वारा किया गया घरों पर पथराव। गुरवा दरवाजा मार्ग स्थित कुमारवाड़ा में रात के तकरीबन 12:30 बजे की घटना। खरगोन शहर में रात लगभग 12:30 बजे हुई बड़ी घटना। वारदात में असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया तालाब चौक स्थित कुमारवाड़ा मोहल्ले में किया पथराव और पहुंचाया नुकसान, जिसमें घरों पर पथराव किया गया, गाड़ियों को जलाना, घरों के दरवाजे तोड़ना आदि घटनाओं को रात करीबन 12:30 बजे अंजाम दिया गया। जिसके तारतम्य में मोहल्ले के लोगों ने सुबह से सड़क पर चक्का जाम कर दिया। ये रात में हमेशा हमको 25 सालों का शादी हुई, जब से देखते देखते ना ये सुधरे ना कुछ नहीं। एकता होते हैं और छोटी छोटी गलियों में से इतनी झूठ बनाते और बड़े बड़े पत्थरों मारते, और हम गिनती के 25-30 मकानों ने हम इनसे नहीं हो पाते, हमसे लड़े और घर में घुसने लगे। उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वो ताले तोड़ के घर में घुस रहे, लात मार के दरवाजे मारे, अब हम कहाँ जाएंगे। और हमको बिल्कुल है ना पुलिस चौकी है ना कुछ है, पुलिस को 1 घंटे बाद आई पुलिस। हमने इतने फोन करे जब तक तो हमारे 10 मिनट और नहीं आती ना, तो हमारे मोहल्ले में बहुत लाशें बिछ जाती है। वगैरह जला दी क्या, गाड़ियाँ जलाई, गाड़ियाँ जलाई, गाड़ियाँ भी जलाते और सीसी में वो भर के लाते हैं, पेट्रोल पंप छोड़ते हैं, पेट्रोल भर के लाते हैं, उसको जला के ना। और अब इनके इतनी हिम्मत बढ़ गई कि बहुत ज्यादा इनकी हिम्मत बढ़ गई, हमारा मोहल्ले को उन्होंने टारगेट बना लिया कि यहाँ से हटना है। अब मोहल्ले को नहीं है। अभी खरगोन शहर में कोविड को लेकर 144 धारा चल रही है, धार्मिक आयोजनों के लिए छूट नहीं मिल रही है, और जबकि शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि अगर किसी की मृत्यु होती है तो 10 लोग से अधिक इकट्ठे नहीं होंगे, 20 लोग से अधिक इकट्ठे नहीं होंगे। ऐसे समय में किसी की मृत्यु होती है और ये लोग शव यात्रा लेकर जाते हैं, उस यात्रा में 1 से 1.5 हजार लोग इकट्ठे होते हैं, 1.5 हजार लोग, अब ये संख्या बता रहे हैं कि अधिक थी, इससे भी ज्यादा। इस तरह से अगर ये शक्ति प्रदर्शन करते हुए मोहल्लों से निकल रहे हैं, मोहल्लों में इन्होंने पथराव किया, आगजनी की घटनाओं को वो किया है, और उसके बाद भी प्रशासन किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रहा। प्रशासन ने हिंदू मोहल्लों में आंसू गैस के गोले छोड़े, हिंदू मोहल्लों में आंसू गैस के गोले छोड़े, हम पर कार्रवाई करने का प्रशासन दबाव बनाता है। इस तरह की घटनाएं अगर होगी तो हिंदू समाज चुप नहीं रहेगा और हम बिल्कुल उग्र आंदोलन करेंगे। आज ये जो आंदोलन है, यहाँ पर आए दिन घटनाएं हो रही है, हमारी प्रशासन से मांग है कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनसे रासुका लगाकर उन पर कार्रवाई की जाए और अन्य लोगों के भी नाम उनसे उगलवा जाए। दूसरे यहाँ पर आगजनी की उन पर कार्रवाई की जाए, जो मैंने कहा कि गाड़ियाँ जलाई है, घरों पर पथराव किए, घरों के दरवाजे तोड़ने के प्रयास किए, और रात के 12 बजे इस तरह की घटना को अगर ये अंजाम दे रहे हैं तो निश्चित ही खरगोन शहर का माहौल जो खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों की ये मांग है कि जो लोग इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं उन पर रासुका लगाई जाए, उन पर आतंकवाद की घटनाएं लगाई जाए, और खरगोन शहर में जगह जगह मोहन टाकिस से लेकर तालाब चौक तक, इधर गुरुआ मोहल्ले में गौशाला तक कैमरे लगाए जाए, सीसीटीवी कैमरे, ताकि इस तरह की जो घटनाएं हो उन पर अंकुश लगाया जा सके। जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पहुंचे और समझाइश दी। जाँच होगी संदेह के आधार पे भाई जान रिटायर थे रेंजर के, वो तो और भड़काने आ गए, तो मैंने वीडियो में भी कैद किया है। जब बातचीत हो गई, सब लोग जा रहे थे, सदर साहब आए थे, और उसके बाद उन्होंने उकसा दिया। फिर रात की घटना है, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप आज लोग ये बैठे हुए थे, अभी इनको समझाइश दी गई है तो ये हट रहे हैं। रात में एक मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अपने मैयत को लेके वापस आ रहे थे, ऐसा हिंदू कम्युनिटी ने आरोप लगाया कि जब वो वापसी कर रहे थे तो उस समय उन्होंने पत्थरबाजी की। 5 मिनट बाद ही तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुँच गया था और स्थिति पर कंट्रोल पा लिया गया था। कई बाइक तोड़ दी गई है, कुछ आग लगाने नहीं, बाइक के और दरवाजे पे भी पत्थर वगैरह मारने के निशान वगैरह हम लोग मौके पे गए थे, देखा भी है। थोड़ी क्षति कोई ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन पत्थर के निशान वगैरह जरूर पाए गए, और आज से ही हम लोग बैठ करके कंट्रोल रूम में फुटेज चेक कर रहे हैं कि ऐसे कौन से शरारती लोग थे जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है। अभी 3 लोगों के खिलाफ FIR भी हो गया है, कुछ लोग सस्पेक्टेड जो लोग हैं उनको कोतवाली में हम लोगों ने पकड़ा भी है, और इसमें जो भी शरारती तत्व होगा किसी को छोड़ा नहीं जाएगा।
निश्चित रूप से इसमें हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के भी आदेश हैं, पुलिस कप्तान कलेक्टर मैडम के भी आदेश हैं, और नगर पालिका ने जगह जगह लगवाए भी हैं। यहाँ भी साइड एक मेन चौराहे पे तो फुटेज लगी है, लेकिन गलियों की मांग आई है, उस पर हम लोग जरूर विचार करेंगे। ऐसा माना जा सकता है कि कुछ शरारती तत्व रहते हैं कि जो नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है, और आगामी त्यौहार को देखते हुए मैं ऐसा नहीं मान सकता कि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना भविष्य में हो सकती है। सर, नाइट में कर्फ्यू भी चल रहा है, तुम्हारी धारा भी लगी है, लेकिन इसी काफ़ी संख्या में जाना और फिर आना तो बचाव करना, निश्चित रूप से ये 144 का उल्लंघन है। और रात में मेरे को जो सूचना मिली है, जो पटवारी ने मेरे को बताया है कि मैयत में जाने के लिए जितने लोगों के अनुमति है उससे ज़्यादा लोग थे, हम उसकी तस्दीक कर रहे हैं, उसके बाद हम उनके खिलाफ 188 की कार्रवाई भी करेंगे। जिसके बाद सभी सामूहिक रूप से पहुंचे थाना और शिकायत दर्ज करवाई। विजियाना न्यूज़ निवार रिपोर्ट, खरगोन।